बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो संस्कार टीवी पे भी मेरे भजन आते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है तो आपको लिखना है, तो फिर उन्होंने ट्यून्स दी, तो मैंने ट्यून्स पर मैंने लिख दिया, तो बस ऐसे हो गया। ऐसे मैं कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता से मतलब आया और मतलब इतना अच्छा, जिस एल्बम में साधना जी हैं, उदित जी ने गाया है, मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और आगे मतलब माता के पर्व भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला लिखने के लिए। बस यही कहूँ। आपने कौन सा गाना गाया? इस एल्बम में मेरा फर्स्ट गाना जो मैं गाया है वो है नंगे नंगे आया अकबर, ये वाला गाना गाया है, तो मुझको बहुत ही अच्छा लगा गाना गा के। वैभव जी म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा से समझाया गाने को, बहुत अच्छा लगा गा के। हाँ ज़रूर। नंगे नंगे पैरों आया अकबर, जय हो। नंगे नंगे पैरों आया अकबर, माँ के दर पे चराने को सर। नंगे नंगे पैरों आया अकबर, माँ के दर पे चराने को सर। एक्चुअली हाँ मानता हूँ, मतलब बाई हार्ट तो मानता ही हूँ, लेकिन उतना दिखावा नहीं करता। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ पर आया, मतलब इनॉग्रेशन हुआ। थैंक यू। यही वैभव जी तो बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। और इस जो आज ये लॉन्च हुआ साधना जी के साथ, उदित जी के साथ गा के, इन्होंने लिख के, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़े, हम लोग ऐसे ही डेवलप करें, यही चाहेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस एल्बम में साधना जी ने चढ़ाया है प्रसाद, जिस एल्बम में साधना जी ने चढ़ाया है माँ को प्रसाद, जो संगीत हुआ है वैभव भटनागर जी के से आबाद, जो संगीत हुआ है वैभव भटनागर जी से आबाद, उस एल्बम को माँ दुर्गा ज़रूर देंगी आशीर्वाद। उस एल्बम को माँ दुर्गा ज़रूर देंगी आशीर्वाद। धन्यवाद। आज हम इसे छोड़